जीटीवी के सीरियल कुल्ली बात के एक्टर्स पर लगा केस, प्रीता और सृष्टि के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं न्यूज सीधे एकता कपूर के सीरियल कुल्ली भाग्य के सेट से। तो यार, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जिससे आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जी टीवी के सीरियल कुल्ली भाग में गणेश उत्सव का त्यौहार दिखाया जा रहा है। इसी बीच कुछ गुंडे अपनी ड्रग्स के डिब्बों को सरला की मिठाई के डिब्बों से बदल देते हैं। वो सारे ड्रग्स के डिब्बे लूथरा हाउस पहुंच जाते हैं। अब गुंडे अपनी ड्रग्स को वापस लेने के लिए लूथरा हाउस में बैंड बजाने वालों का गेटअप रखकर एंट्री कर लेते हैं। तभी सीरियल में सृष्टि का किरदार उन बैंड बजाने वालों के लिए कुछ बोलता है, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि सीरियल में सृष्टि का किरदार एक्ट्रेस अंजुम फाकी निभाती हैं। पंजाब के शाहकोट में सीरियल की निर्माता एकता कपूर के साथ साथ फीमेल लीड श्रद्धा आर्य, अंजुम फाकी और सीरियल के डायरेक्टर समीर कुलकर्णी पर सेक्शन 295A के तहत मामला दर्ज हुआ है। सेक्शन 295A की धारा तब लगती है जब किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार प्रकट किया जाता है। वाल्मीकि समाज के अनुसार सीरियल में सृष्टि के द्वारा उनकी भावना को आहत किया गया है। अभी एकता कपूर या कुल्ली भाग्य की टीम के अन्य सदस्य की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगर कोई भी अपडेट आती तो हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।